गर्मी का मौसम और पानी की किल्लत से बुंदेलखंडवासी अक्सर जूझते हैं। चित्रकूट जिले के पहाड़ी ब्लॉक स्थित ओहदा गांव के दलित बस्ती का हाल कुछ ऐसा ही है। 1800 की आबादी वाले इस बस्ती में सिर्फ एक हैंडपंप है जिसमें लंबी लाइन लगी रहती है। उस पे भी ऊंच नीच का भेदभाव लोगों की परेशानी का कारण है। पानी के लिए चाहे हमें नल लग जाए, चाहे हमें जो कुछ मानी पानी हमें चाहे जहाँ से आओ पानी की व्यवस्था हमारी होना चाहिए। तो यहाँ पे सप्लाई वाला पानी आता है? पानी सप्लाई वाले यहाँ कोई नगीच का तो नहीं है। यहाँ कभी टंकर से मांग किए कि टंकर यहाँ आए हमारे पानी के? टंकर आया रहा है पर साल, तो टंकर आता है तो टंकर में छू छूत घुसा है, उसमें चमार अगर पानी ले लिया तो ठाकुर बाबा नहीं पीते हैं, तो पहले सीधे जाता है वो गाँव में, और जो बचा कुचा तो आया, ना बचा कुचा तो नहीं आया। बिजली की समस्या हो जाती है, बिजली जब नहीं मिलती तब वो बता देते हैं कि पानी नहीं है, और चमार का पानी कोई छोप पी तो सकता नहीं है कि कोई पिएगा, चमार का छोप पानी कोई नहीं पी सकता, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी दिक्कतें आ रही पानी को लेके, कहाँ कहाँ से आप लोग पानी लेके आते हैं? पानी इधर उधर से एक एक किलोमीटर हम जाते हैं, वो नल बिगड़ा तो पानी की समस्या बहुत अड़गड़ी, प्यासन मरते हैं। कितने दिन से ये समस्या है पानी की? अरे दो साल हो गए। दो साल हो गए। अभी किस तरह से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से ला के? और उधर वो जो रोड है उनके तो नल नहीं गड़ा, कुआं से आओ से पानी संकुल बहुत। आप भी इसी पानी का, नल का पानी इस्तेमाल करती हैं? हाँ। जब खराब हो जाता है ये नल, अभी भी बहुत देर देर में पानी आ रहा है इसमें, तो किस तरह से फिर पानी का इस्तेमाल होता है? अभी अंगे जाई थी वो, फिर दूरी दूरी ले। कहाँ कहाँ से लाते हैं पानी? नल ले लागे थे, दूर दूर है, इस दलित बस्ती के लिए दूर है। हाँ। तो आप लोग का कितना समय पानी में चला जाता है दिन भर का? अब कितना देखो, घंटा दो घंटा तक ठहर रहा खुआत है, हुआ जाए अन कर ना लाए। अब ये है तो ये मोहल्ला में हवा तो भारी थी वही, अब फिर आन में जाओ तो जैसे समय आवा जैसे तो फिर भारी थी, घंटा दो घंटा लग जाता, एक ख्याप लावा दो बाल्टी और फिर ठहर रहा हुआ गाँव। अभी एक नल ये खराब हो गया तो कहीं उधर से ले आए, कहीं उधर से ले आए, दूर दूर से, हम विकलांग है चल नहीं पाते, तो अब ये नजदीक का नल है तो बस खड़े रहो, नहीं फिर दूर दूर से हमारा आदमी पानी हमें भर के दे। सर जो औदहा गांव है पहाड़ी क्षेत्र का, तो वहाँ पे पानी की हमने देखी बहुत ज्यादा समस्या है, लोग बड़ी दूर दूर से पानी लाते हैं और एक हैंडपंप है जो एक बाल्टी पानी देने के बाद बंद हो जाता है। हाँ, वहाँ एक बस्ती है, कुछ एरिया है जहाँ पे पानी की दिक्कत है, पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे है, पानी उस पे अभी रिपेयर भी कराया गया है लेकिन पानी है नहीं, उस बोर पे रिबोर के लिए भेजा भी गया है, और वहाँ पानी की दिक्कत इसलिए नहीं होगी, अगर दिक्कत वो होगा पानी नहीं आता, ऑलरेडी हमारे पास टैंकर खड़ा है, पिछली बार भी हमने 1.5 महीने टैंकर सप्लाई कराई थी, जहाँ कहीं पानी की दिक्कत होगी टैंकर से हमारी सप्लाई कराई जाएगी वहाँ पे पानी की। और ये है कि जैसे कि गांव में बड़ी ऊंच जाति के लोग हैं, और अगर वो टैंकर से दलित लोग पानी भर लेते हैं तो फिर उनको एतराज होता है पानी का? ऐसी वहाँ पे पूरी सामंजस्यता से पानी सप्लाई होता है, ऐसी वहाँ कोई दिक्कत नहीं, हर बस्तियों में जहाँ पानी की दिक्कत है हर बस्ती में पानी जाता और सौहार्दपूर्ण माहौल है, सभी लोग पानी भरते, कोई किसी को मना नहीं करता। कब से ये टैंकर भेजने शुरू हो जाते हैं? अब जहाँ पानी की समस्या आई, गर्मियों में अप्रैल मई में पानी की समस्या आती है, टैंकर सप्लाई चालू करा देते हैं हम लोग।